नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भीम टीवी। जय भीम टीवी आज सीधा सवाल करेगा उत्तराखंड की उस शख्सियत से जो शख्सियत आप पिछले 12 सालों से टीवी पे लगातार प्रवक्ता के रूप में आप देख रहे होंगे। हमारे साथ आज सीधे जुड़ रहे हैं शादाब जी। शादाब जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत जय भीम टीवी में। कैसे हैं शादाब जी? बहुत अच्छे। शादाब जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कोरोना कोरोना काल चल रहा है, लगातार कोरोना की लड़ाई आपकी सरकार और मोदी जी लगातार सड़कों पे आकर हर तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना काल में आपकी सरकार और आपने ऐसा क्या किया जो लोगों तक सीधे सीधे आपने सहायता पहुंचाई? देखिए, मुझे लगता है कि कोरोना अपने आप में दुनिया के लिए थ्रेट था और पूरी दुनिया इस अनजान दुश्मन को समझने में कामयाब नहीं हो पाई। पूरी दुनिया में कोरोना ने अपना कहर बरपाया, लेकिन अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान बहुत बेहतर स्थिति में है। और अगर हिंदुस्तान के लिहाज से हम अपने उत्तराखंड को देखें तो हम बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं। मैं इतना ही कहूँगा कोरोना में, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज आज तक नहीं निकला और इस कोरोना में जो संकट का दौर था, जब फैसले लेने का वक्त था, तब मेरे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले निर्णय लिया कि सबसे पहले लॉकडाउन हमने स्टार्ट किया और हमने कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ हम गए। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार तमाम अधिकारियों को बुला के साफ निर्देश दिए कि यहाँ न कांग्रेस न बीजेपी, न सत्ता न विपक्ष, न तेरा न मेरा, न छोटा न बड़ा, MHA की एक एक गाइडलाइन को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया जाए, और उसका इतना बड़ा परिणाम हमें मिला कि अगर आप कोरोना काल को देखें तो कोरोना में उत्तराखंड बहुत मजबूत स्थिति में रहा। जब तक हमारे प्रवासी भाई नहीं आए थे उससे पहले तक हम बहुत बेहतरीन स्थिति में थे, लेकिन क्योंकि हमारे लोग थे, हमें उन्हें लाना ही था, और उनके आने के बाद संक्रमण हम लोगों ने देखा कि वो बढ़ा, और अब हमें ये तय हो गया है कि इसी कोरोना के साथ जिंदगी को जीना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम उत्तराखंड के लोगों ने अधिकारियों को बुके दिए, गुलदस्ते दिए, और हमने देखा तमाम चैनलों पे, आपके चैनल पे भी दिखाया गया कि अधिकारियों का स्वागत हो रहा है, लोग कह रहे हैं पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। अरे, इस पुलिस का, इन अधिकारियों का मुखिया था कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक ईमानदार नेतृत्व अगर आपको मिलता है तो साफ दिखता है कि डिफरेंस क्या होता है, और उसके लिए मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इस कोरोना काल में जो पुलिस की इमेज और डॉक्टरों की, महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बात कही थी कि शायद मंदिर आज इसलिए बंद है, मस्जिद आज इसलिए बंद है, क्योंकि भगवान स्वयं सफ़ेद कोट पहन के आपके इलाज के लिए आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा। बात हम बेसिक चीज़ों की करें, जो आपने बात कही, ये बेसिक चीज़ें पहाड़ के हर कोने तक पहुंच रही थी, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, खाना, दवाई, ये कोरोना काल में हर कोने तक पहाड़ के पहुंची। बिल्कुल, एक मैं ये कहता हूं कि जब कोरोना आता है तो हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना सरकारें बौनी हो जाती हैं, सरकार इतनी ताकत नहीं है, और 125 करोड़ की आबादी, 10-10 लाख के मुल्क जो धराशायी हो गए, जो दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी के मुल्क थे, वो कांप गए कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो हिंदुस्तान 125 करोड़ की आबादी का मुल्क, अकेले सरकारों की कोई हैसियत नहीं थी कि सरकारें अकेले लड़ पाती, यहाँ का व्यक्ति लड़ा, यहाँ का एक एक इंसान लड़ा, एक एक पूंजीपति लड़ा, एक एक व्यापारी लड़ा, एक एक किसान लड़ा, एक एक अधिकारी कर्मचारी लड़ा। मैं तो तहे दिल से धन्यवाद दूंगा इस पावन जमीन धरती के पावन पुत्रों को कि जिन्होंने बड़ी ताकत के साथ खड़े होके, एक साथ खड़े होके सरकारों को कहा, यह आपकी लड़ाई नहीं है, यह हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की लड़ाई है, यह उत्तराखंड की लड़ाई है, यह उत्तराखंडियों की लड़ाई है, और लोगों ने साबित किया। एक दूसरे की मदद को जो हाथ बढ़ाया, ये विदेशों में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये आपको मेरे मुल्क में देखने के लिए मिलेगा। कुछ तो बात अलग है, कुछ तो बात अलग है ना, इस मुल्क की मिट्टी में कुछ तो बात अलग है कि पूरी दुनिया में त्राहिमाम था, लेकिन मेरा मुल्क एक दूसरे के साथ जिस तरह कंधे से कंधा मिला के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में कितने झगड़े, कुछ करें, लेकिन जब हमारे ऊपर कभी भी परेशानी आती है तो हम कैसे एकजुट रह के एक साथ खड़े होते हैं, वो हमने इस कोरोना काल में दिखाया। ये बात है मेरे इस हिंदुस्तान की मिट्टी की, ये खुशबू है इस हिंदुस्तान की कि आप आपस में कभी भी, आपके अंदर का चंद बर्तन होते हैं, खटक जाते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर बात आती है तो आप ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं। और मुझे कहते हुए बड़ा फख्र होता है कि आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने अपना रोल निभाया, जितने स्वयंसेवी संगठन, जो NGO, सब आगे आए, सब ने पूरी ताकत झोंक दी कि हमें अपने लोगों को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तभी तो कुछ बात तो अलग है।
बात आपने कही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वाकई में इस कोरोना काल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको एक भारत देश बनाया, एक नया देश देखने को मिला, क्योंकि पुलिस की इमेज भी बड़ी ख़राब मानी जाती थी हमारे जवानों के आगे, पर इस कोरोना काल में लगातार पुलिस वालों ने 12 से लेकर 16 घंटे तक लगातार सड़कों पर काम करा, एनजीओ ने काम करा और डॉक्टरों ने काम करा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर एक मतलब कुछ इलाके ऐसे भी हैं, वो आपको भी जानकारी है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम में आज भी एक डिफरेंस है, पर एक वीडियो आती है, एक वीडियो वायरल होती है और वीडियो में देखा जाता है कि एक गाय कुएं में पहुंच गई और जिस कोरोना काल में आदमी अपने घर से निकलने को तैयार नहीं था, आप वहां पहुंचते हैं, उस गाय को निकालते हैं, बाकायदा 4-5 घंटे वहां पूरी टीम के साथ मौजूद होते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया, थोड़ा सा उस बारे में भी आप बताइए। आपका पहले तो दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने ये प्रश्न पूछा। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग नफरतों के बयार में बह रहे हैं और ये और लोगों के साथ होता तो मुमकिन होता। हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हमारी एक तरफ गंगा है दूसरी तरफ जमुना है, हम हैं यहाँ, लोग बातें करते हैं हम हैं और उस तहजीब के मुहाफिज भी हम हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है मेरा दोस्त किसी को माँ कहे तो मौसी तो मेरी भी लगी, ये मुमकिन नहीं है कि आप अगर आपके अंदर सेंटिमेंट्स नहीं है तो आप हिंदुस्तान के लोग हो ही नहीं सकते। आपको तो देवभूमि में रहने वाले लोग जिसकी हर धारा में अमृत बहता है, हम गंगा जल के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इस देवभूमि में रहते हो और आपके अंदर इंसानियत ना हो। अलग बात होती है, वो एक दौर था, मुझे लगा जब मेरे पास फ़ोन आया मैंने छोटे भाइयों को बोला जाओ इस तरह से परेशानी है, और उन्होंने कोशिश करके वो गाय माता वो प्रेग्नेंट थी और जिस प्रकार कुएं से उन्हें निकाला और वो उसके बाद जब ठीक होके खड़े होके फिर SDRF की बाद में टीम भी आ गई, बच्चों ने बहुत कोशिशें की और जब वो गाय ठीक होके अपने पैरों पर चल के गई तो दिल से खुशी हुई कि हमने किसी का जीवन को बचाने का काम किया। खैर अब हम आते हैं उत्तराखंड के मुद्दे पर। सर उत्तराखंड बेसिकली टूरिस्ट उत्तराखंड आते हैं, देवभूमि आते हैं और उत्तराखंड में अधिकतर काम टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, होटल व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है। इस कोरोना काल में व्यवसायी थोड़े से नाखुश हैं, वो अपना मुद्दा उठाना चाहते हैं लगातार क्योंकि उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, पूरा बंद है जैसे आपको पता है, लगातार उनको बिजली के बिल, लगातार उनको जो भाई सरकार ये भी कहती है कि आपके पास जो स्टाफ है उसे आप मत हटाओ, तो सारी मार व्यापारियों पर पड़ रही है और इसके साथ साथ जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी व्यवसायी हैं बड़े बड़े, उनको भी लगातार दिक्कत हो रही। क्या सरकार पर्याप्त मदद दे सकती है उन व्यापारियों को जिनको इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा चोट लगी और वो बड़े मजबूत स्तंभ थे उत्तराखंड के? देखिए मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, उत्तराखंड की स्थिति जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत अच्छी नहीं है और जब आपके स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी ना हो तो आप चाहते हुए भी कुछ मददें नहीं कर पाते और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये होता है कि हम जानते हैं कि हमारा व्यापारी वर्ग इस वक्त बहुत बुरी तरह से टूटा है, हम ये जानते हैं कि हमारा जो मिडिल क्लास है वो बहुत बुरी तरह से टूटा है, हमारा जो गरीब है वो बहुत बुरी तरह से टूटा है। वो तो ऊपर वाले का मैं कह रहा हूँ कि इस देवभूमि के ऊपर इस देश के ऊपर एहसान है कि हमारे यहाँ लोग भूख से नहीं मरे, सरकारों ने अपनी कोशिशें की, लोगों ने मदद की और हम इस कोरोना जैसे बीमारी से हम उभर के बाहर आए। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मन बड़ा है, लेकिन कई बार मन बड़ा हो जेब छोटी हो तो दिक्कतें आती हैं। जो लगेगा जो हो सकेगा, होने वाला कोई काम ऐसा नहीं होगा जो नहीं हो पाएगा, जो राहतें दी जा सकेंगी वो दी जाएंगी, जहाँ दिक्कतें हैं वो स्वाभाविक दिक्कतें हैं, जिस प्रकार लोग मैं भी सुन रहा था लोग कह रहे थे कि भाई सब कुछ बंद है आपने शराब क्यों खोल दी, शराब हमारी ज़रूरत नहीं, ज़रूर मजबूरी है, ज़रूरी नहीं है शराब। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा था कि मैं शराब को धीरे धीरे इसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करूँगा और उसके पीछे का कारण हमारा ये रहा कि शराब तो एक तरह से अभिशाप है पहाड़ के लिए, पहाड़ बहुत परेशान है शराब से, लेकिन हमारे पास जो बैसाखियाँ हैं हम खड़े तो हो गए लेकिन बैसाखी शराब की है, ये जैसे ही हमारा टूरिज्म सेक्टर मजबूती से खड़ा हो जाएगा मैं गारंटी देता हूँ इस बात को कि शराब हमारी बैसाखियों के लिए इस प्रदेश के लिए ज़रूरी नहीं। हम फिर पहाड़ के मुद्दे पे आते हैं। कोरोना से पहले सभी सरकारों ने कोशिश करी पलायन को लेकर, पर आज कोरोना काल ने पहाड़ को या देवभूमि को एक प्लस पॉइंट दिया, जितने भी लोग थे वो गांवों में अपनी जगहों पे वापस आ गए। सरकार किस तरह आगे बढ़ रही है कि ये लोग जो आज आए हैं ये बेरोजगार ना रहें और ये वापस जहाँ से आए वापस ना जाएँ ताकि पलायन का मुद्दा
यहाँ पर आके अंत हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आज कोरोना काल के बाद जिस प्रकार प्रवासी उत्तराखंडी हमारे आए हैं, और प्रवासी तो आए ही हैं, हमारे लोकल लोग जो गए नहीं थे भाई, जिन्होंने पहाड़ से अपना प्यार नहीं त्यागा था, उन लोगों के लिए भी जब माननीय मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो हमने कहा आत्मनिर्भर उत्तराखंड। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो इन्वेस्टर समिट कराई, पहली इन्वेस्टर समिट हुई जिसमें हमारे पास 225,000 करोड़ के MOU हुए, जिसमें से एक अच्छे अमाउंट लगभग 25,000 करोड़ के MOU लगभग धरातल पे उतर चुके हैं। वो अपने आप में ये बताता है कि 20-25 हज़ार करोड़ के MOU अगर धरातल पे उतरने लगे हैं तो बाकी भी उतर सकते हैं। अगर कोरोना ना आता तो आज स्थिति में हम कुछ और होते, कुछ और चेहरा हम आपको दिखा सकते थे। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है, पहाड़ के लिए क्या हो रहा। हम टूरिस्ट प्लेस हैं, हम आध्यात्मिक, दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी है। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना है, वैसे ही हिंदुओं के लिए अगर कोई मक्का मदीना हो सकता है तो वो मेरा देवभूमि उत्तराखंड है। तो आखिर ये जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसके बारे में हमने किया क्या कि हमारी आध्यात्मिक राजधानी बन जाए। पहली बार विजन के साथ माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक जुगलबंदी खूबसूरत जोड़ जो बैठा और ये तय किया कि यहाँ हम देवस्थानम बोर्ड भी बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे? क्या हमारे यहाँ चार धाम यात्रा में 30-35 लाख लोग आएंगे? अरब में तो करोड़ों लोग आते हैं उमरा और हज करने के लिए। मेरे यहाँ जिस मुल्क की आबादी 125 करोड़ से अधिक हो, वो दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी हो, वो चारों धाम हो, तो वो कितना खूबसूरत होना चाहिए, वहाँ कैसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसे बनाने की दिशा में जिस प्रकार एक बहुत बड़ी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार ये जोड़ी काम कर रही है, मुझे लगता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जरा सोच लीजिए, सिर्फ इमेजिनेशन में आपको दे रहा हूँ, जरा सोचिए जब ये चार धाम यात्रा ऑल वेदर रोड खुल जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, पहाड़ पे हर जगह पहुंचना, चौड़े चौड़े रोड आसान हो जाएगा, कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आप जरा अंदाज लगाइए जब पहाड़ रेल पहुंच जाएगी, एक एक गांव पास हो जाएगा, कितना खूबसूरत होगा। जितने भी लोग बेरोजगार हैं और पलायन वापसी अपने गाँव में आ गए, तो आपकी सरकार उन्हें आश्वासन देती है कि सभी लोग मजबूती से नौकरी मिलेगी, बेरोजगार नहीं रहेंगे और वो यहाँ से दोबारा उस जगह नहीं जाएंगे जहाँ वो काम करते थे। बिल्कुल नहीं, हम लोग पहाड़ के ईमानदार लोग हैं, हमारे लोग हिम्मत वाले लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं। पहाड़ का व्यक्ति पहाड़ का सीना चीर के मेहनत करना जानता है, और पहाड़ पे जब कोई सुविधाएं नहीं थी तब पहाड़ के लोगों ने पहाड़ के बारे में, पहाड़ पे खड़े होकर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाई। और अब तो हम हमेशा कहते थे पहाड़ का पानी सपना था शहीदों का, कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई, लेकिन पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अगर आज हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि आज पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आने जा रही है। यह जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री ने सोलर प्लांट लगा दिए और सोलर सिस्टम के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं कि पानी जमीन से कैसे नदियों से ऊपर चढ़ाया जा रहा है और वहाँ उस पानी से कैसे खेती की जा रही है, तो लग रहा है कि ये वो दिन दूर नहीं है जब मेरा पहाड़ लहलहाएगा और जो स्वाभिमानी उत्तराखंडी है। मैं आपकी बात को और दो कदम आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत की, पहाड़ के लोगों ने, और पहाड़ ने अगर कुछ कमाया तो वो नाम कमाया। लोग कहते हैं कि यहाँ ये देवभूमि है, यहाँ रहने वाला हर कंकड़ शंकर है और यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति देवता। अब मुझे बताइए कि कुछ लोग जो जिन्हें कोई पूछता नहीं है, जो खुद भ्रष्टाचारी हैं, जो खुद दलाल हैं, वो यहाँ के लोगों के ऊपर आरोप लगाए और वहाँ यहाँ के लोगों को कह दें यहाँ के लोग बेईमान हैं, यहाँ के लोग दलाल हैं, बाहर वाले लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे पहाड़ के ऊपर ये लांछन लगा सके। इससे मेहनत के लिए हाथों की लकीरें मिट गई हमारे लोगों की मेहनत करते करते, लेकिन हमने अपने आप को कभी बेईमान नहीं कहलवाया। आज कुछ चंद लोग हमें भ्रष्टाचारी कहते हैं, वो लोग जिन्होंने लूट के खा लिया मेरी देवभूमि को, गिद्धों की तरह जो नोच नोच के ब्लैकमेलर जो लूटना चाहते हैं इस पहाड़ को, आज उन्हें परेशानी हो रही है कि एक ईमानदार सरकार चल रही है, 0% टॉलरेंस की सरकार चल रही है, तो वो पेट में दर्द हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपनी खुरापात कर रहे हैं, वो गिद्धों की तरह इस मेरी मातृभूमि को, देवभूमि को नोच नोच के खाना चाहते हैं। ये हम होने नहीं देंगे, कुछ हो जाए, हमारी जान चली जाए, शहीदों की शहादत गई है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस पहाड़ को लूटने नहीं दिया जाएगा और ना इसके स्वाभिमान के साथ कोई धोखा किया। ऐसा क्यों होता है शादाब जी,
कि संयम से दिखने वाले शताब जी जिन्हें लोग 12 साल से देख रहे हैं, एक टीवी डिबेट में इतने हाइपर हो जाते हैं, इतने गुस्से में आ जाते हैं और अपनी मन की बात इस कदर बाहर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने देखा, मैं पर्सनली मैंने भी देखा, तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ किस पे इस कदर आपका गुस्सा है जो इतनी तेज़ी से, भाई हमने 12 सालों में नहीं देखा, आप संयम से बात रखते हैं अपनी, तो ऐसा क्या बात है कि आपको क्या बात लगी या क्या बात बुरी लगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसान हूँ और इंसान जज्बाती होता है, कई बार भावुक हो जाता है। मुझे नहीं होना चाहिए था उतना भावुक जितना मैं हुआ, लेकिन जब मुझे लगता है कि एक व्यक्ति, अरे उत्तराखंड का कोई व्यक्ति खड़ा होके कहे कि मेरा इस उत्तराखंड से सरोकार है और मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, हम उसकी गाली भी सुनेंगे, उसकी बात का जवाब भी देंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो खुद इस उत्तराखंड को लूटना चाहता है, खसोटना चाहता है, गिद्धों की तरह उसकी निगाह इस देवभूमि के ऊपर है, वो इसका चीरहरण चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो आपके सामने खड़ा होके, वो अपने आप को इमोशनल बता के, वो अपने आप को ईमानदार बता के और मेरे पहाड़ के लोगों को वो चोर बताए, तो कैसे आप बर्दाश्त करेंगे? कम से कम उन लोगों के लिए मेरे पास एक जवाब ज़रूर है कि कैसे बाज़ार का दस्तूर तुम्हें सिखलाऊं, बिक गया जो ख़रीदार नहीं हो सकता। वो चाह रहे हैं कि वो मेरे पहाड़ के युवाओं को हमारे लूटे हुए पैसों से ख़रीद के और अपनी मनमानी करवा लें। ये पहाड़ के लोग मर्द हैं, ये बिकाऊ माल नहीं है। हर माल बिकाऊ नहीं होता। मैंने कहा कि पहाड़ के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। हमने जीवन में उत्तराखंड के लोगों ने, पहाड़ के लोगों ने अगर कुछ कमाया तो वो आत्मसम्मान कमाया, वो इज्जत कमाई, वो ईमानदारी का तमगा कमाया। कोई भी व्यक्ति आके यहाँ हमारे लोगों पे बेईमानी, भ्रष्टाचारी के आरोप लगा दे और इस नियत से लगा दे कि वो पहाड़ को बदनाम करे और वो ये चाहे कि पहाड़ के लोगों को चंद सिक्कों में वो ख़रीदना चाहे, तो पहाड़ के लोग बिकाऊ नहीं है। जितना मैं अपने पहाड़ के लोगों को जानता हूँ, मैं, मेरे बाप दादा, लक्कड़ दादा इस सरजमीन में दफन हैं, ये मेरी जननी है, मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। इसको कोई लूटने की कोशिश करेगा तो किसी कीमत पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। चाहे हम राजनीति में सिर्फ बातें करने नहीं आए, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, ऐसे लोगों के सामने कोई समझौता नहीं होगा। पूरी ताकत के साथ इन लोगों को एक्सपोज किया जाएगा, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ की कहीं से कहीं तक कोई सूरत नहीं हो सकती। सर, अगर NH घोटाले की बात करें, उस पर भी हम दो बातें आपसे जानना चाहेंगे NH घोटाले पर, क्योंकि लगातार सवाल उठते रहे। देखिए, नेशनल हाईवे का जो घोटाला था वो किसके समय में हुआ? कांग्रेस के समय में। हम लोगों ने तभी, पहली सरकार होगी इतिहास के पन्नों में ये बात लिखी जाएगी कि पहली सरकार होगी जिसने पहाड़ के बारे में एक लाइन सिद्ध कर दी कि ये IS को भी सजा दी जा सकती है। पहली बार किसी IS के खिलाफ मुकदमे हुए, लेकिन कोर्ट सब कुछ देखता है, अगर कोई दोषी होगा बाकी कोर्ट का निर्णय है, सरकारों का जो काम है सरकार ने अपने काम को किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो किसान जिनकी ज़मीनें नेशनल हाईवे में गई, जिनको मुआवजा दिया गया, उनको मुआवजा केंद्र सरकार, नितिन गडकरी जी ने कहा कि भाई मेरे अधिकारियों को इससे बचा दीजिएगा क्योंकि आपने हमसे जो मांगा, आपने हमसे कहा 100 दे दीजिए, हमने आपको 100 दे दिए, या तो आप ये कहिए आपको 100 नहीं मिले तब तो मेरे अधिकारियों की जांच करो, लेकिन अगर आपने 100 मांगे हमने 100 दे दिए तो मेरे अधिकारियों को इस फचड़े में मत खींचिए, मेरे अधिकारियों का मामला खत्म हो जाता है। अगर आप ये कहते हमने 100 मांगे थे, इन्होंने 100 के बदले हमें 90 दिए, 99 दिए, तो मेरे अधिकारी सवाल के घेरे में आते हैं। उसके बाद भी हमने कहा कि हमारे पास, हम इसकी जांच कराएंगे। पता चला कि जो किसानों को जो ज़मीन ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें पैसा दिया गया, जो ये घोटाला का मेन बुनियाद थी, उसमें वो उन किसानों ने क्या किया, उन किसानों से डायरेक्ट कांग्रेस के नेताओं के खातों में पैसा गया है। किसान जिसके पास अपनी आजीविका के लिए पैसा नहीं होता, किसान जिसके पास अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं होता, वो लाखों करोड़ों रुपए आपके अकाउंटों में इलेक्शन में कैसे दे देगा? और वही किसान जो उस नेशनल हाईवे घोटाले में संलिप्त थे, जिन्हें जरूरत से ज्यादा पैसा दिया गया, इसका मतलब ये सेटिंग गेटिंग हुई। ये तो स्वाभाविक बात है ना, ये तो साफ, बिल्कुल साफ था कि भाई आखिर ये किसान आपके खातों में यही क्यों दे रहे हैं? फिर तो पूरे प्रदेश के देने चाहिए थे, और पूरे आपको सिर्फ उसी जगह के लोग जहां वो घोटाला हुआ, वही लोग जिनको पैसा दिया गया उन्होंने ही आपके अकाउंटों में पैसे क्यों दिए? और वो अकाउंट अगर, चलो आपके अकाउंट में भी दे देते, आपने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा वो हमारा अकाउंट जेन्युइन नहीं था, वो कोई दूसरे हरीश रावत जी के अपने व्यक्ति थे, उनके लोगों के, तो वो अपने आप में एक सवाल है। जांच चल रही है किसी भी कीमत पे। जब हम कहते हैं 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन, तो फिर 0% जीरो होता है। अभी हाल ही में हरीश रावत जी ने
उन बागी लोगों को, उन जो पिछड़े हुए जो कांग्रेस हैं, उन्हें दोबारा बुलाया और ये बोला कि अगर माफ़ी मांगे तो उनका स्वागत है। और इस पर TSR साहब ने भी अपनी राय जारी करी। तो इस वाले मुद्दे पे आप कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह हरीश रावत जी हरदा हमारे बहुत हरदिल अजीज नेता हैं, हमारे नेता हैं और बहुत शार्प लीडर हैं। वो कहते हैं तो उनकी बात को जो जानते हैं, जो उन्हें समझते हैं, वो जानते हैं कि वो दूसरों पे हमला कम और अपनों को ज़्यादा निपटाते हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य अलग था। वो किसी कीमत पे वो ये जानते हैं कि वहाँ एक उनके घर में एक द्वंद्व चल रहा है कि प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदेश जी उनका फोटो तक प्रदेश के कार्यालय पे नहीं लगाने दे रहे हैं। तो असली लड़ाई तो वहाँ है और वो सेंटर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम आमने सामने बैठ के डिस्कशन करें, उस डिस्कशन का कुछ निष्कर्ष निकले। और मुझे लगता है कि वो तमाम निष्कर्षों के बाद इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अभी पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। वो कोशिश की जा रही है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिस ओर इशारा किया, मुझे लगता है वो काफ़ी है। उसके ऊपर मेरा बोलने का कोई बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है। अंत में आखिरी प्रश्न जो मैं रखना चाहूँगा, आने वाले 2 साल बाद चुनाव दोबारा हैं और 3 साल हो गए TSR साहब की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को काम करते हुए, ऐसी कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो इन 3 सालों में सरकार ने देवभूमि के कोने कोने तक पहुंचाई? देखिए, मुझे लगता है कि एक योजना बड़ी हो, वैसे तो लगातार सरकार का मुख्य योजना की ईमानदारी के साथ मैंने कहा, पहले तो भ्रष्टाचार पे जो हमने काम किया, हम सब जानते थे कि दलाली के अड्डे बन गए थे, मुख्यमंत्री आवास हो, सचिवालय हो, लोगों को आज जो बेचैन है लोग, वो इसलिए बेचैन है कि उन्हें दलाली करने का मौका नहीं मिल रहा। अगर आज माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत दलाली करने का मौका दे दें तो मुझे लगता है कि कोई किसी के साथ कोई झगड़ा ही नहीं है, चारों तरफ तारीफों के पुल बनने लग जाएंगे। लेकिन ये ईमानदारी है माननीय मुख्यमंत्री की, उन्होंने कहा कि सिर्फ जबान नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। जो खून में है, जो विचारों में है, जिन विचारों की कमाई से वो आज जहाँ तक पहुँचे हैं, वो इसलिए किसी कीमत पे अपने उस आत्मसम्मान के साथ, उस विचार के साथ समझौता नहीं होगा। पूरी तरह से 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि 0% टॉलरेंस के साथ जो हमने अटल आयुष्मान योजना लॉन्च की, उत्तराखंड के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त, इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो बेचारा पूरे साल मेहनत करता था, 2-3 साल की जमा जोखड़ी होती थी, घर में बच्चे का हार्ट टूट गया, पैर टूट गया, ऑपरेशन की नौबत आ गई, सारी जमा पूंजी एक बार में निकल जाती थी। मुख्यमंत्री क्योंकि गरीब घर से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, उन्हें लगा एक योजना कम से कम ऐसी हो कि उस योजना के माध्यम से गरीब को फायदा मिल सके, इलाज मिल सके। और पूरे उत्तराखंड को ना धर्म देखा, ना जात देखी, ना पहाड़ देखा, ना प्लेन देखा, योजना लॉन्च कर दी, उत्तराखंड के हर व्यक्ति को 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी गाथा, इस केवल एक कहानी कहती है, ये बताती है कि हम सबका साथ सबका विकास ऐसे ही नहीं कहते, हम धरातल पर उसे उतारते भी। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में जिस तरह से मजबूती के साथ उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में खड़ी हो रही है, वो दिन दूर नहीं है कि हम दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी भी बनेंगे। लोग उत्तराखंड में 35 लाख नहीं आएंगे, 35 करोड़ लोग भी इस उत्तराखंड में आएंगे। लोगों के पास जगह नहीं होगी कि टूरिस्ट को कहां रखें, पैसा बरसेगा। और मैं ये सपना जो आज आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को दिखा रहा हूं, लोग यहां आपसे नौकरी मांगने आएंगे जहां कल आप नौकरी करते थे। ऐसा ना हो तो गिरेबान पकड़ लीजिएगा शादाब शम्स का। विजन ठीक है, नियत साफ है, पूरी ईमानदारी के साथ उसे इंप्लीमेंट कराने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार लगी है। सिर्फ आपके विश्वास की और आपके साथ की जरूरत है। और मुझे यकीन है कि ईमानदार उत्तराखंडी, मेहनती उत्तराखंडी जैसे जैसे अपनी ताकत से आत्मनिर्भर उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा उत्तराखंड हिंदुस्तान को लीड करने की पोजिशन बनेगा और यंगिस्तान का जो विश्वगुरु बनने का सपना हमने देखा है वो अवश्य साकार होगा। कोई आखिरी संदेश युवाओं के लिए, पहाड़ के युवाओं के लिए, शेर और शायरी के अंदाज में अगर आप देना चाहें तो? जवानी और पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी आपने कहा, उसी पे कुछ आखिर लाएं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पहाड़ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। 1947 में हम आज़ाद हुए, 1947 से और यहाँ तक पहुँचने का मात्र 70 साल का सफ़र हमारा है। और इस 70 सालों में हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जिस तरह से मंगल तक पहुँच गया,
तो मेरे पहाड़ का व्यक्ति तो हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी सरकारों के ईमानदार नेतृत्व पे भरोसा रखें, ईमानदारी के साथ आगे चलते रहें, वो दिन दूर नहीं होगा। हिंदुस्तान को लीड करेगा उत्तराखंड और पूरी दुनिया को विश्वगुरु बनने का जो सपना हिंदुस्तान ने देखा है, उस सपने को साकार करते हुए हिंदुस्तान दिखाएगा और उसमें उत्तराखंड की बहुत बेहतरीन भूमिका होगी। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड में मंत्री शादाब संस, जिन्होंने विभागी से अपनी राय रखी और जय भीम टीवी के माध्यम से हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए बताया कि डबल इंजन वाली सरकार ने इन 3 सालों में और इस कोरोना काल में क्या क्या किया। आने वाले समय भी हम उत्तराखंड के बड़े बड़े लोगों से और उन हस्तियों से मिलवाते रहेंगे जो अपनी बात और संवाद आप लोगों तक सीधे पहुँचाएं। अभी के लिए नमस्कार, जय भीम।